ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आप किस बैकग्राउंड के साथ अपना इस मॉडल को कैसे ऐड कर सकते हो। तो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में आज बताने वाला हूं, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। एंड अगर गाइस अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसपे कि गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ कि गाइस अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो कर सकते हो। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको उस चैनल पर बताता हूँ गाइस, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो जाके गाइस चेकआउट जरूर करना। तो चलिए गाइस आज किस नई वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को गाइस पहले कहीं पे भी खड़े को फोटो को क्लिक करवा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को उसका बैकग्राउंड रेज करना है। इसको रेज करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है ड्रो टूल का। ड्रो टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे अपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस आप सभी को इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस जो इरेजर की ओपेसिटी साइज होगा जो अपने को रख लेना है, एंड जो उसकी हार्डनेस होगी उसको गाइस आपको रखना है 90 तक, ठीक है। हार्डनेस को 90 तक, एंड जो साइज होगा अपने आप हिसाब से रख सकते हो। फिर आपको फोटो को जूम करना है, यहाँ से फटाफट से इरेज कर लेना है। अब गाइज हमारा जो है मॉडल का बैकग्राउंड रिलीज हो चुका है। तो आप सभी को अभी इसमें बैकग्राउंड जो है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना इजीली। एंड उसके बाद एड फोटो में जाके हम अपने इस मॉडल को ले लेंगे जिसका मैंने अभी बैकग्राउंड रिलीज किया था। एंड गाइज अब आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है गाइज, जब आप अपने मॉडल यहाँ पे ऐड करोगे ना गाइज, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका मॉडल होगा ना उसके जो शूज़ होंगे वो बाहर ना जाए बैकग्राउंड से, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, तो गाइज आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है एंड दोनों चीज़ ऊपर नीचे दोनों तरफ ध्यान देना है, ठीक है। जो और जो आपका मॉडल होगा उसका जो हैंड है वो सीधा दूसरे मॉडल के शोल्डर पे जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। एंड उसके बाद आपको ओपोसिटी कम कर लेना है क्योंकि यार रिलीज करने में ईजी हो जाता है। फिर रिलीज टूल में जाकर आपको हार्डनेस को फुल कर लेना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड यहाँ पर आप सबको फोटो को जूम करना है, ठीक है। एंड जो शूज़ का एरिया है ऊपर से आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ से आप सभी को कुछ स्टेप से ऐसे इरेज करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम प्यार प्यार से करना है, और जितना आराम से हो उतना आराम से करना, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। उसको कर लेना, एंड जैसे कि हम पूरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को आप बारी आती है ऊपर के, ऊपर से जो इरेज करना है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो ये यहाँ पे शर्ट वगैरह जो आ रही है इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी को कुछ स्टेप्स ही करना है। एंड गाइस यहाँ पे जो हमारा जो हैंड है इसके पास भी थोड़ा सा एरिया है, तो इसको भी हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जब हम शेडो बनाएंगे तो यहाँ पे एकदम मतलब ऐड हो ही जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर लेते हैं। एंड गाइस बट आप सभी को भी यहाँ पे ध्यान नहीं करना है, आप सबको जाना ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइस आप सबको मैं एक ब्लैक कलर का एक कीजी दूंगा, आपको उसको फुल साइज करके कुछ स्टेप से ऐड करना है, ठीक है। एंड इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज को यहाँ पे बड़ा करना है, एंड हार्डनेस जो ओपेसिटी होगी इसको थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है। हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आपको बैक साइड में शेडो बनानी है, ठीक है। तो आपको ऐसे पेंट करना है अपने मॉडल के ऊपर ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया हमने, और एक और बार ऊपर करते हैं इस टाइप से। अब गाइस यहाँ पे आपको डन करना है, एंड इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप उस पर क्लिक करके एंड इसे मूव डाउन कर देना है। एंड उसके बाद जो इसकी ओपेसिटी होगी इसको कम कर देना है। एंड गाइस जो आगे का थोड़ा सा एरिया होगा उसको आप सिंपली इरेजर टूल पर जाके आगे की तरफ का इरेज कर देना, ठीक है। तो बाकी जो बैक साइड का वो हमें बैक साइड में शेडो चाहिए मिल गई है। बट गाइस अभी भी आप सबको यहाँ पर डन नहीं करना है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे और शेडोज बनानी है। तो हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड दोबारा से उसी पीएनजी को ऐड करेंगे, एंड उसके बाद हम इसको ले जाएंगे अपने शूज़ के पास, कुछ स्टेप्स ऐसे करेंगे यहाँ पे। एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे ब्रश लेंगे, एंड जो साइज होगा आपको अपना अकॉर्डिंग रख लेना है, एंड हार्डनेस ओपेसिटी जो इसको कम ही रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा साइज और कम कर लेते हैं, एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद गाइस जैसे आपको शेडो चाहिए यहाँ पे ऐसे ही आप सभी को सिंपली पेंट कर देना है, ठीक है। एक बार दो बार जो भी है आपको कर देना है, एंड इसको मूव डाउन कर देना है, एंड इजीली कुछ शेडो आपके बनके तैयार हो जाएगी। बट अभी भी डन नहीं करना है क्योंकि अभी हमें शोल्डर के पास भी शेडो बनानी है। तो ऐड फोटो में जाएंगे, एंड ऐसा हमें ब्लैक कलर का पीएनजी लेंगे, एंड उसके बाद हम इसका साइज कुछ इस टाइप से रखेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे रेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी हार्डनेस ओपेसिटी कम करेंगे, एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम शेडो बनाएंगे, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रखा है यहाँ पे, तो इस एरिया में मेरे को लगता नहीं कि शेडो बनाने की जरूरत है। बट आप देख लेना गाइस, अगर आपको लगे तो शेडो बना लेना, बाकी आपकी मर्जी है। बट अभी हम यहाँ पे फिंगर्स के पास जो शेडो बनानी है, तो क्या करेंगे हम इसको कुछ स्टेप्स ऐसे रखेंगे,
एंड ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डन करते हैं इसको, एंड यहाँ पे मूव डाउन कर देंगे इसको भी, एंड गाइस यहाँ पे हमारी शेडो भी बन चुकी है, तो अब इसकी थोड़ी सी ओपोसिटी कम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे गाइस देखिए परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको करते हैं डन, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद आपको फिर जाना है ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइस आपको जाना है दोबारा से एक पीएनजी लेना है यहाँ पे, ये विगनेट का। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको फुल स्क्रीन करें, कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, इजीली कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पे कर देना आप सभी को डन। ओके गाइस, तो इतना करने के बाद आप सभी को अपनी इस फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है जो साइड में दिख रहा होगा आपको, एंड उसके बाद आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, एंड जो उसका हाईलाइट होगा उसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो शेडो होगा इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। एंड जो वाइट होगा गाइस इसको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड जो ब्लैक होगा इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड चलते हैं कलर्स वाला ऑप्शन में। वाइब्रेशन जो होगी इसको हम बढ़ा देंगे, एंड जो टेम्परेचर को उसको कम कर देंगे, एंड जहाँ कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अपने फेस के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो, फिर येलो कलर में जाकर आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आप पैंट का कलर जो है आपका वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सैचुरेशन कम कर लेंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे डन। अब जाएंगे गाइस नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो डाल देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नोइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा गाइस फोटो का रिजल्ट, तो गाइस जैसे कि देखा गाइस आप सभी ने, हमने यार फोटो का जो बैकग्राउंड था दोनों मॉडल से भी मैच करते हैं, एंड गाइस हमने कलर रिटच करके हमने फोटो काफी अच्छी बना दी। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो कहीं ना कहीं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर गाइस अगर आप लोग भी ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना, क्योंकि यार आप में से जो भाई मेरे को टैग करता है मैं उन लोगों को शॉर्ट आउट देता हूं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। एंड बाकी गाइस अगर आप अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड गाइस प्यारा से एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो यार, मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। एंड अगर अभी तक आप सभी गाइस यहां तक आ चुके हो तो गाइस इन दो वीडियो में से आप कोई सी वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।